हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरबी कटलेट की रेसिपी। खाने में बहुत टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम अरबी को बॉईल करके रखा है, छिलके वगैरह मैंने इसके निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक ऐड कर दीजिएगा। आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। एक चौथाई चम्मच काला नमक, एक चम्मच अजवाइन। अजवाइन को मैं हथेली से क्रश करके डाल रही हूँ। अजवाइन से अरबी का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आप चाहे तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं, धनिया के पत्ते, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स हो गया है, अब मैं फाइनली इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच चावल का आटा। इससे ये इसको बाइंडिंग में भी हेल्प मिलती है, प्लस कटलेट्स काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तब इसको मिला लेते हैं अच्छे से। मिक्स कर लिया है तो अब मैं छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ यहाँ पर। बॉल्स बन गए हैं तो अब मैं गैस ऑन करती हूँ और इस पर एक पैन रख रही हूँ। इसमें मैं 1.5 चम्मच बड़ी चम्मच तेल डालूँगी, तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा हमको इसमें। अच्छे से फैला लें तेल पैन में और इसको गर्म होने दें। तेल गरम हो गया है, अब मैं कटलेट्स ट्रांसफ़र कर रही हूँ पैन में। इनको हमें शैलो फ्राई करना है दोनों तरफ से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते कलर में, तब तक हमें को इनको फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं कटलेट्स, तब इनको निकाल लेते हैं। अब मैं इसको सर्विंग डिश में डाल रही हूँ और फाइनली अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया के पत्ते से गार्निश कर रही हूँ और चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। अरबी कटलेट्स तैयार हैं। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।